जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन यशोदानंदन विजन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Radha Ramana Hari Bo, 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 Jai Radha. Jai Radha Ramana Hari Bo, 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 Jai Radha Ramana Hari Bo. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Sri Radhe. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Sri Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Sri Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Sri Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava Sri Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Balladeva Jayo Subhadra, Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Balladeva Jayo Subhadra, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai,
जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय कुशल प्रभुपाद की इकाई वर्तमान देखो। अरे कितना तो सब लोग अपने हाथ में गीता ले लीजिए, मंगलाचरण करेंगे अभी। मेरे पीछे बोलेंगे, पेज नंबर भूमिका में देखिए लिखा है इसका। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता श्री विशाखाविन्दाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तिविन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में सभी भक्तों का स्वागत है भगवद्गीता क्लास में। तो आज हम भगवद्गीता के तीसरे अध्याय का लास्ट बताओ
तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग, आप लोग निकालिए तीसरा अध्याय। श्लोक संख्या पढ़ेंगे हम 20 से पाठ करेंगे, 20 भी हो गया था वैसे तो, लेकिन थोड़ा दोहराएंगे श्लोक का, आज थोड़ा श्लोक का दोहराएंगे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 से पाठ करेंगे, पहले श्लोक का दोहराएंगे। सबको मिल गया ना, पेज नंबर है 139। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहम् एवापि संपस्यं कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहम् एवापि संपस्यं कर्तुम् अर्हसि। बोलिए, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। माइक चालू करिए। वो हिंदी किसको पढ़ने आता है? आता है वो नहीं, वो नीचे रखा है माइक। हाँ चालू करिए। वो हाँ बोलिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अंत वो वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के स्वसुर थे। श्री भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत बिहार के प्राप्त में एक प्रार्थना है कि राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता के यहाँ सिखाने के लिए सिखाने के लिए शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन के कुरुक्षेत्र में युद्ध के लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परमश असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए श्री भगवान तब के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अंत ऐसे सदन के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यदा तथापि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करते करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति
इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनक जैसे राजा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो देखिए, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, वो अपने आचरण से सिखाता है कैसे, है ना। चलिए आगे के श्लोक में मालूम चलेगा, बोलिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ सयत् परमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। बोले यद यद जो जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत्तद् वही तत्तद् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह व यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदत कुरुते करता है लोकः सारा संसार ततः उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। मेरे पीछे बोलिए महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आचार्य हैं, जो लिखे हैं ताकत पढ़ के समझ में आता है हमें कि हमें एक ऐसी नेता की आवश्यकता है जो सारे नियमों का पालन करे। अगर नेते हैं पालन नहीं करता है तो जनता ही पालन नहीं करेगी संभावित होगी। तो हम देखते हैं कि जनक महाराज, अभी हमने पीछे से पढ़ा, अम्बरीश महाराज, ये लोग राजा भी थे, कैसे अपने आचरण को सिखाए। अम्बरीश महाराज ये पृथ्वी के राजा थे, सोचिए। लेकिन उस समय क्या किए थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि सारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। सोचिए, राजा होते हुए भी आंखों को लगा दिया था भगवान के दर्शन करने में, कानों को लगा था भगवान कथा सुनने में, मुंह को लगाया था वैकुंठ भगवान चांद से गुणान वर्णन, मुंह को लगाया था भगवान के धाम को गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन कर। जब राजा से में से कर तो प्रजा भी देख के उनके पीछे पीछे कार्य करने लगी। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भारत भूमि है, यहाँ पे जितने भी हुए थे राजा, वो लोग बैठते थे तो ब्राह्मण के बगल में बैठता था, वो गाइड करता था, फिर वो कार्य करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ब्राह्मण की सलाह नहीं ले रहे थे। इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। तो हम देखते हैं कि लोग देखते हैं सरकार है, लोग शराब पियेंगे तो क्या किया है, पूरा से लाइसेंस देता है कि शराब बेचो, समझते हैं ना। ऐसा नहीं कि बंद कर दो डायरेक्ट, बोलता है लगन पे। क्योंकि राजा को ऐसा नहीं होना, शास्त्र में बता रहे हैं कि राजा को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, सारे लोगों को लाभ होगा। अब देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भक्त के रूप में है चैतन्य महाप्रभु,
ये हमें शिक्षा दे रहे, क्या दे रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। तो ये जो बताया गया मनुष्य संहिता, आप लोग ग्रंथ देखेंगे तो ये सारे जो नेता हैं उनके लिए बताया गया कि जो राज्य कर रहा है उसके अनुसार राज्य करे, नहीं तो क्या होगा, जो जनता है सब भ्रमित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ बताया गया प्रमाणिक ग्रंथ भी है हमारे पास। देखिए भारत भूमि में जितने भी ग्रंथ हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जब आते थे तो हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए हम जाने जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें ही गीता भागवत का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम किस लिए जाने जाएंगे? भारत भूमि इसी के लिए जाना जाता है। और कहीं देश में चले जाएंगे तो ये भक्ति के इतना विधि विधानों का नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे कठिनाई से, है ना। लेकिन भारत में जन्म होने का यही फायदे है कि हम भगवान कृष्ण राम हमारे मुंह से निकलता ही रहेगा, है ना। ये हमारे यहाँ पे जन्म लेने का फायदा है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये बताया गया है कि प्रमाणिक ग्रंथ का मानव समाज के लिए अनुसरणीय ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यस्त किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। तो हम देखते हैं कि महाजनो येन पंथा, यानी जो 12 महाजन है, भीष्म बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सब महाजन है, इन्होंने भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो महाजन है अगर उनके रास्ते बताए पर हम चलेंगे तो हमारा भी आध्यात्मिक प्रगति होगा, क्योंकि उन्होंने भक्ति के नियमों का कड़ाई से पालन किया है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया चाहे राजा हो, चाहे राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो, शिक्षक। देखिए हमारे जीवन में सबसे पहले हमारी माता होती है, है ना, वो हमें शिक्षा देती है। जैसे हम आप आएंगे पूछेंगे तो एक मान लीजिए माता है अपने उसका बेटा है तो पूछेगा कि आपके पिता कौन है। तो एक तो विधि है कि माता स्वयं बता सकती है कि आपके पिता ये हैं, बेटे को बता सकती है। अगर रिपोर्ट निकलवाने जाएंगे या फिर टेस्ट कराएंगे तो अनेकों साल लग सकते हैं, है ना, टेस्ट करवाने कराएंगे तो बहुत कठिनाई है। लेकिन माता क्या है, एक ही क्षण बता दे कि आपके पिताजी ये हैं। तो शास्त्र वैसे ही है, हमें बताया जा रहा है क्या, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद अनादिदादि गोविंद सर्व कारण कारण। वेद हमें ज्ञान दे रहा है लेकिन हम इसको स्वीकार करेंगे तो हम तुरंत आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम अलग अलग शास्त्र को लाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि इसे गीता के 150 से 200 प्रकाशन है। आज अलग अलग नेताओं ने भी लिख दिया है ना, डॉक्टर ने, सबने लिख दिया है। लेकिन हमें समझना चाहिए प्रमाणिक ग्रंथ क्या है, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा यथारूप, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अबोध जनता है ये क्यों भ्रमित हो जाती है। प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूल आत्मा करता हम इति मन्यते। वो क्यों प्रकृति और गुण से बांधे हुए हैं, है ना, इसीलिए वो समझ नहीं पाता है। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पहले स्कूल जांचते हैं ना कि स्कूल प्रमाणित है कि नहीं प्रमाणित है, कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसको देखते प्रमाणित है कि नहीं प्रमाणित है। वैसे भी हमें आध्यात्मिक ग्रंथ को भी देखना चाहिए कि कौन से संप्रदाय से हम जुड़े हैं, इसका गुरु परंपरा क्या है, सब जांचना चाहिए। तो हम लोग ब्रह्म मोहम्मद गौड़ी संप्रदाय से हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास देव 30 नंबर पेज पे खोलिए गीता में, देखिए वहाँ पे गुरु परंपरा लिखा है, भगवत गीता 30 नंबर पेज।
हाँ माइक ले लीजिए, सेंट रू माइक लीजिए, पढ़िए जरा, पूरा पूरा गुरु परंपरा पढ़िए। श्री कृष्णा ब्रह्मा एवं परंपरा प्राप्तम, इस लोग बोलिए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। यह भगवत गीता यथा रूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। पहले श्री कृष्णा ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरे माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्यतीर्थ व्यासतीर्थ लक्ष्मीपति माधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभु रूप स्वरूप सनातन रघुनाथ जीव कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ बलदेव जगन्नाथ भक्ति विनोद गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यहाँ पे जो बताया गया है पूरा गुरु परंपरा का लिस्ट है, देख रहे हैं ना आप लोग, तो हमें भी चाहिए कि वो स्वीकार करें, नहीं तो क्या होगा कुछ समय बाद हम भी क्या हो जाएंगे, भ्रमित होने का चांस ज्यादा लगता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे कर्मयोग जो हम पढ़ते हैं, अध्याय का नाम है ये कर्मयोग, तो इसमें नीचे का जो लाइन है ना जो हमने पढ़ा था थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया, हाँ यहाँ से पढ़े हो, इसलिए एक बार थोड़ा और ऊपर से, हाँ यहाँ से पढ़िए। ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद में इसी भाव को इस प्रकार वर्णित किया गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी विद्यमान देखते हैं वह मूलतः परम भोक्ता की संपत्ति है और व्यक्ति केवल उन्हीं वस्तुओं को भोग सकता है जो उनके द्वारा कृपा पूर्वक प्रदान की जाती है। हाँ बस, तो ईशोपनिषद जो ग्रंथ है ना, ये भी छोटी पुस्तक है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ईशोपनिषद का जो ग्रंथ है ये ईशोपनिषद में मंत्र है, जो इसमें बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब भगवान की संपत्ति है, हमारी और आपकी नहीं है, है ना। तो यहाँ वही बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वह मूलतः परम भोक्ता की संपत्ति है और व्यक्ति केवल उन्हीं वस्तुओं को भोग सकता है जो उनके द्वारा कृपा पूर्वक प्रदान की जाती है, किंतु उसे दूसरों की संपत्ति का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पीछे बोलिएगा, ईशावास्यम इदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जितानां घृतः कस्य स्विदं धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जितानां घृतः कस्य स्विदं धनम्। बोलिए, ईशः भगवान द्वारा अवास्यम नियंत्रित इदं यः सर्वं समस्त यत्किंच जो भी जगत्यां ब्रह्मांड के भीतर जगत जड़ चेतन सब कुछ तेना उनके द्वारा तब तेना पृथक रखा गया भाग गुंजुथा तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। माँ
नहीं प्राप्त प्राप्त करने का प्रयास, गृधा प्राप्त करने का प्रयास, कस्यचिदा अन्य किसी की धनम संपत्ति को। बोलिए, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु, तो ये जो मेज बना है चेतन है कि जड़ है, बताइए आप लोग। ये मेज बना है जड़ वस्तु, और ये संसार में जो भी वस्तु है हम देखते हैं, ये घर बना है, ये सब क्या है? जड़। चेतन वस्तु क्या है? जिसमें चेतना है, हमारे में चेतना है तो हम बोल पा रहे हैं ना, और आत्मा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोल ही नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वृक्ष है, वृक्ष को हम काट देते हैं, हाँ सूख जाता है, फिर उसी वस्तु से क्या करते हैं, लकड़ी के मेज बनता है सब, है ना। लेकिन उसे आत्मा है तो वृक्ष हरा भरा सब कुछ चला है, जब भी सूख जाता है तो उसे अनेक वस्तुएं बनाई जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि वृक्ष जो है भगवान के द्वारा क्या हो रहा है, वो पोषित हो रहा है। हम तो उसको बना नहीं सकते ना, उसको पानी देते हैं, भगवान ने जड़ के नीचे लगाया है नदियां, उसको उसे मिलता है उसको नीचे जमीन में से। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु संसार में, देखिए हम क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है हमें, और हमारा वो देखो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है। तो एक दूसरे क्या है, वो सहायता कर रहे हैं मनुष्य जीवन चलाने के लिए, और ये उनकी संपत्ति है। और तो मनुष्य को चाहिए कि, या किसी पशु के लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? मनुष्य के लिए। पशु के लिए नहीं लिखा गया कि कोई वस्तु स्वीकार करे छोड़ दे, नहीं, किसके लिए लिखा है? मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि एक गोनी चावल यहाँ रख दीजिए, चिड़िया आएगी और दाना को चुगेगी, जितना उन्हें खाना खाएगी फिर चली जाएगी। लेकिन किसी रास्ते से मनुष्य आ गया, दिखा रहे कोई आगे पीछे दिख नहीं रहा है तो क्या करेगा? देख चला जाएगा। इसीलिए लिखा है मनुष्य के लिए, केवल क्या करना चाहिए, उन्हें मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हाथी को अपने घर पर लाकर बांध दूं, आप खिलाएंगे उसको रोज? घर में बांध खिला पाएंगे रोज? उसके लिए खाना भी क्या पाएंगे? नहीं, वो चलती रहती है और डाल और तोड़ खा के अपने पेट पहले 2.5-3 कुटा रोज चाहिए उसको खाना, सोचिए। हाँ, चींटी को भी देखते हैं चलती रहते, दिन रात प्रयास कर दी, पता नहीं किस खोज में है वो, उसको भी खाना मिल जाता है। केवल संसार में मनुष्य ही परेशान है खाने के लिए। अगर कृष्ण भावना भावित ज्ञान गए व्यक्ति तो उसको मालूम चल जाएगा, भागवतम पढ़ेगा, कि जब भगवान भी मनुष्य ही प्रदान करते हैं ना, तो उसी समय उसकी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित कर्म करे केवल, भगवान के जो शास्त्रीय नियम बताए हैं ना, वो नियमों का पालन करे केवल, तो सब कुछ उसको मिलेगा। आप सोचिए, जो हम सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, इसका बिल भरते हैं? कभी नहीं भरते, सोचिए। और देखिए, भगवान समुद्र में इतना नमक है, पानी है, कभी भी नहीं सकते हम, लेकिन भगवान ने सूर्य के माध्यम से फिल्टर लगाया है, बारिश होता है फिर मीठा जल बनता है, फिर वो लोग पहाड़ों में क्या डैम बनाते हैं, रखते हैं पानी, फिर उसको सप्लाई होता है।
समुद्र वाष्पित कर रहे ना पानी को सूर्य के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि पहले देखते हैं यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को यह भरी भांति जानते करने में से किसकी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्यों? क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ है, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा अपौरुषीय क्या है, बताइए कोई अपौरुषीय शब्द का क्या अर्थ है? देखिए आप लोग जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चाहे कोई पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हम जो पुस्तक पढ़ते हैं स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हैं सब लोगों ने, हमें ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन क्या ज्ञान से हमें संतुष्टि कभी मिली है? सोचिए कभी अपने पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन कभी आत्मा को आनंद मिलता है उसे? मंदिर आते हैं, कभी कीर्तन सुनते हैं, कभी भगवत पाठ सुनते, श्लोका सुन लेते हैं, तो इससे क्यों आनंद मिल रहा है? क्या दोनों मिले? बुक तो वो भी है, पुस्तक ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए? हाँ, भौतिक में हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ज्ञान प्रभावित है। व्यक्ति के में चार दोष है, देखिए आगे आ रहा है, वही आ रहा है। तो ये जो शब्द निकला है ये किसके मुख से निकला है? भगवान के मुख से निकला है, इसलिए अपौरुषीय, वो प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित नहीं है। संसार में हम बद्ध जीव हैं, हम प्रभावित हैं, और हम अपने मन से कुछ लिख दिया तो क्या होगा? दोष है हमारे अंदर, प्रकृति को बद्ध जीव हैं, इसलिए वो पुस्तक पढ़ेंगे तो हम भी संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि हमारे अंदर दोष है। लेकिन भगवान के मुख से जो ज्ञान निकला है उसमें दोष नहीं है। चलिए माइक उठाइए, पीछे दीजिए कोई को। हिंदी आता है ना पढ़ने? नहीं आता? कितना आता है? पढ़िए, प्रयास करिए, दीजिए माइक, यही तो सीखने का मौका है। चलिए संसार के पढ़िए, हाँ नहीं आगे आइए, आपको हिंदी आता है? पहली बात आई, आप आता है? ठीक है, आप पढ़िए, यहाँ बैठिए पढ़िए। भौतिक संसार में, भौतिक संसार में रहने हाँ। वाले जीव में, माइक चालू करिए, हाँ बोलिए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में चार दोष होते हैं। हाँ, क्या है दोष? पहला, वह निश्चित रूप से दृष्ट करता है। हाँ, पहला है, यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिक संसार में जीव में चार दोष है। पहला क्या है कि वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, यानी गलतियां करना क्या है? स्वाभाविक है, प्रत्येक जीव से गलती तो हो ही जाती है। यहाँ कोई बैठा है कि बचपन से आते कोई गलती नहीं किया? हम सब गलती किए, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। गलती नहीं करते भगवान के धाम में होते हैं ना, सिंपल सी बात है। कोई गलती के इसलिए हम यहाँ पे आ गए। दूसरा क्या है? वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। हाँ, माता जी भेजते हैं, जाओ बेटा दूध का पैकेट लाओ, वो दुकान पे जाना, वो सर्कल के पास है, वहाँ के राइट मुड़ना, फिर वहां आना, तो उधर बगल में दुकान है कोने में, लेकिन हम जाके भ्रमित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हाँ, ये है महत्वपूर्ण चीज। प्रत्येक जीव इससे परेशान है, एक दूसरे को धोखा दे रहे संसार में, है ना? धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, कोई ले लिया उधार, दिया नहीं पैसा, क्या करेंगे आप? तो ये क्या है? संसार के व्यक्ति के दोष है। और क्या है? तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण कैसे है, कैसे, कौन बताएंगे? इंद्रियां अपूर्ण है हमारी। हाँ, इंद्रियां अपूर्ण है हमारी। देखिए आंखें जो है हमारी देखते हैं, हाँ सीमित है हमारी आंखें, है ना? हम देखते हैं कि मान लीजिए हम जाते हैं रोड पे, जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं दूर जंगल में, देखते हैं तो केवल जंगल जंगल दिखाई देता है, लेकिन आप पास में जाएंगे देखेंगे वहां घर बना के लोग रह भी रहे हैं, जंगल को जाएंगे, है ना? और वहां पे गाय है, बजर सब लोग रह भी रहे हैं। और भी एक रोड पे देखते हैं कि रोड पे हम जाते हैं
वो देखते हैं आगे हाइयर पानी पानी का भी दिखता है वहां पे, है ना, लेकिन देखते हैं कि वो पानी जब आगे बढ़ते पानी होता नहीं है, दिखता है दूर से शीशे में, अरे वहां पानी होगा, तो क्या है ये मृग मारी। और एक देखिए उपाय, जब कांच का गिलास होता है ना शीशे का, उसमें पानी भरी है और दूर यहाँ रखी है, उसमें पेंसिल डाली, दूर से इसे देखेंगे तो पेंसिल वाला टूटा हुआ दिखाई देगा, है ना, आप दिखाई देगा ऐसा लगे टूटा हुआ है। तो आंखें सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसे ज्ञान प्राप्त करना हमें संभव नहीं है। सूर्य कितना बड़ा करे सोचिए पृथ्वी से, लेकिन दिखता है कैसा, थोड़ा दिखता है बस, तो आंखों से देखना हमारे लिए उतना संभव नहीं है, इसका भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो बताया गया इन चार अपूर्णताओं से युक्त तो कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, वेद इसे अपूर्व प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। अब कोई पूछ सकता है आपको कि आप मंदिर आते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, आपको फायदा क्या होता है, क्यों जाते हैं हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण क्या फायदा होता है आपको, तो क्या बताएंगे आप लोग, यहाँ मंदिर आने से फायदा कुछ मिल रहा है आप लोगों को, क्या फायदा मिल रहा है बताइए, क्या क्या बताइए, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता भगवान के मुख से निकली है, गीता महात्म्य पढ़िए आप लोग, भगवान बोलते हैं कि जो गीता हमारे मुख से निकली वही पढ़ेगा उसको शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी शुद्ध है, जैसे यहाँ पर लिखा है गंगा भगवान के चरणों से निकली है और ये शब्द भगवान के मुख से निकला है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों शुद्ध करने वाला, गंगा में नहाएंगे फिर भी शुद्ध होंगे अगर पाप नहीं करेंगे आप, तो वो प्रक्रिया तेज है उसकी, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि ये वेद जो है क्या है, ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं, ये वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम से जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र तथा शिष्यों से प्रसारित किया जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ बताया गया है, पहले सुनिए, वैदिक ज्ञान जो है सर्वप्रथम भगवान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, देखो ब्रह्मा जी को तपस्या करना पड़ा, ऐसे नहीं मिल गया, अब खंड खंडों में पढ़ेंगे भागवतम में तो 10,000 साल तक तपस्या की उन्होंने, है ना, 100 साल तक, हमारी आयु गणना के अनुसार नहीं, देवताओं की आयु की गणना के अनुसार, केवल ये जानने के लिए कि मेरी सृष्टि कहाँ से हुई है, वो कमल नल के नीचे आते रहे जाते रहे, सोचिए, हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को स्कूल तो गए नहीं पढ़ने, केवल तपस्या की और सारा ज्ञान भगवान डायरेक्ट तेने ब्रह्म हृदय आदि का हुए मुयंती सूर्य भगवान ने क्या किया, तुरंत डायरेक्ट उनके ज्ञान में हृदय प्रकाशित कर दिया। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा का पालन करें, ठीक है, अब ये पढ़िए, इसलिए प्रजा के नेताओं तथा अन्य लोकप्रिय नेताओं को चाहिए कि वे अपने कार्यकलाप विष्णु पर केंद्रित करें। इसमें चर्चा हो रही थी कि यज्ञ आचरति श्रेष्ठ तत्तरजन स्वयत्मते लोक समुवर्तते, भगवद गीता 3.21 में हम गीता का ये पढ़ रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है प्रजा भी उसका अनुसरण करती है। तो यहाँ बताया गया है वही चीज, इसलिए प्रजा के नेताओं द्वारा तथा अन्य लोकप्रिय नेताओं को चाहिए कि अपने कार्यकलाप विष्णु पर केंद्रित करें और इस दिव्य कार्य के फलस्वरूप वे स्वयं को लाभान्वित होंगे होंगे ही। देखिए अगर भगवान कृष्ण को केंद्रित में रखा जाए तभी हम क्या होगा जीवन सुखी जी पाएंगे। देखिए इस मंदिर में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण सेंटर में, पूरे लोग मंदिर में सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे घर में भी हमारे भगवान के फोटो फ्रेम होने चाहिए और दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण के लिए कर, ये चेतना हमारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं भगवान बोलते हैं भोक्तारा में कक्षा सर्वलोकमहेश्वरम सुहितम सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति ऋचते, सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ, अभी हमने पढ़ा। साथ ही वे अपने अनुयायियों का भी कल्याण कर सकेंगे, अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो आपके जितने परिवार में है सबको लाभ होगा। सोचिए अगर एक बेटा कोई भक्ति नहीं कर गया तो पूरे परिवार का लाभ होने वाला है उससे, जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालेंगे तो क्या होगा सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, वैसे ही अगर मूल में पानी डालेंगे तो ऐसा होता है, वैसे कृष्ण भक्ति करने से जितने भी लोगों सबको लाभ होगा। यदि ये नेता प्रचारकों
तथा राज्यों के अध्यक्षों सहित वैष्णवता के इस कार्य को नहीं करते और इसके विपरीत परम भोक्ता विष्णु के उच्च स्थान पर बनावटी ढंग से स्वयं को स्थापित करते हैं, तो ये भले ही क्षणिक लाभ प्रशंसा तथा सांसारिक ख्याति का आनंद उठा सके और त्याग तथा झूठा दिखावा करके अपने अभागे अनुयायियों को सही मार्ग से विमुख कर सके, किंतु ऐसे भौतिकतावादी नास्तिक नेता कभी भी उन अज्ञानी व्यक्तियों का जो इनके उनके पीछे कसाई घर की ओर जाने वाली भेड़ों के झुंड के समान चलते हैं कोई भला नहीं कर सकेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक तो दिखावा करेंगे कि ऐसा मैं कार्य कर रहा हूँ लेकिन पीछे कसाई घर भी चल रहा जहाँ गायों की हत्या हो रही है, तो ऐसे क्या होगा जनता में, समाज में सुखी हो पाएंगे लोग, दुखी दुखी ही रहेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इससे हमारा क्या होगा, जैसे एक बताया गया भेड़ों का झुंड के समान, प्रजा क्या है राजा को देखती है कि राजा कैसे आचरण करता है फिर उसके अनुसार वो कार्य करती है। तो हमें ये चाहिए कि हम कृष्ण भवन में आंदोलन में आ गए हैं अगर, तो हमें चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा का पालन करें, उनके पास चिन्हों पे चले, न कि सामान्य व्यक्ति जो आचरण करता है उसके अनुसार कार्य करे, है ना। ऐसे नेतृत्व से नेता अल्पकाल के लिए स्वयं लाभान्वित होते हैं किंतु उनके अनुयायी निकृष्टम स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये नेता उन्हें दिखावटी लाभ के प्रति उकसाते हैं और उन्हें नाना प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। ऐसे नेता क्षणिक निजी लाभ के लिए अपने अनुयायियों के असली हितों की बलि देते हैं और उनका सर्वनाश कर देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है यद्यद आचरति श्रेष्ठ, इसीलिए हम भक्ति जो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारे कार्य को देख करके वो लोग परिवर्तन हो जाए। खोल दीजिए दरवाजा, खोल दीजिए पूरा खोल दीजिए, जिसको बैग लेना है ले सकते हैं, ठीक है ले लीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि नेता लोग पाप कर्म लगाते हैं, ठीक है पाप कर्म में। अब पूछिए कैसे लगाते हैं, आप लोग देखिए आप लोगों को जीवन में भी मालूम चलता होगा कि कई ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म करने लगता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी आप लोगों को, गुजरात में क्या बोलते हैं जो वाइन पीते हैं उसे खोलते हैं ना दुकान, तो हमारे यूपी में तो बहुत है वहां पे चलते हैं वाइन का शॉप, वो सब लाइसेंस देते हैं ना उनको कि बेचो। अब व्यक्ति वो मान लीजिए नशा करेगा तो क्या होगा, उसकी चेतना दूषित हो जाएगी और व्यक्ति जब उसकी चेतना दूषित हो पाप कर्म करेगा ही करेगा। तो ऐसे कार्य से क्या होगा, कुछ पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ मिलेगी उसको, लेकिन व्यक्ति क्या वो आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे नेता यह नहीं जानते कि उनके नाशवान शरीर के विनाश के साथ उसके क्षणिक लाभ भी समाप्त हो जाएंगे, किंतु अपने नेतृत्व काल में वे जो अच्छाई बुराई करते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म रूप से उनके मन बुद्धि अहंकार के मानसिक पास में विद्यमान रहेगी। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ मुख्य बल बता रहे हैं, शरीर तो उसका पंच तत्व से बना है, विनाश होगा ही होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, ये भी उसके साथ रहेगा, अगर क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ वो सारा चीज स्टोरेज हो रहा है। शरीर तो पाप कर्म करेगा तो अपने कर्मों के हिसाब से कुछ उसको मिलेगा। भागवतों में पढ़ेंगे आप, जो जितना पाप कर्म करता है उसे उतना ही छोटा शरीर मिलता है, प्रकृति उसे क्या करती है उतना ही छोटा शरीर देगा। एक प्रत्येक जीव जब जन्म होता है ना संसार में आता है तो ब्रह्मा का शरीर मिलता है, भागवतम पढ़ेंगे उसमें आता है कि भौतिक संसार में जो गिरता है व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मा का शरीर मिलता है चतुर्मुख, सोचिए। लेकिन अपने कर्मों के विकास से गिरते गिरते एक चींटी भी बन जाता है, सोचिए ऐसा है यहाँ पे नियम। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो क्षणिक लाभ देते हैं नेता लोग हमें, तो शरीर का तो विनाश होगा ही होगा ऐसे कार्य करेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार हमारा, ये क्या होगा बताया गया है,
मानसिक पास में विद्यमान रहेगी और आत्मा की देहांतरण प्रक्रिया के द्वारा अन्य उपयुक्त शरीर में सूक्ष्म मानसिक जीवन फिर से विकसित होगा। तो हमारे जीवन में देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अनेक हम देखते हैं, अनेक बार हम, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कई बार हम सोते हैं ना, हम देखते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, है ना, लेकिन जब बिस्तर कोई बाघ आके काट रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, चिल्लाता है सपने में, बाघ 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 आके मेरे काट रहा है, तो मम्मी लोग क्या देखती है, अरे बेटा सोए कैसे चिल्ला रहा है, वो तो घर में सोया है, लेकिन क्या हो रहा है, वो सूक्ष्म शरीर जाकर के वो सपने देख रहा है कि मेरे को पीछे कोई बाघ काट रहा है, हाथ पर चला रहा है, व्यक्ति तो पड़ा है घर में, लेकिन बाघ में चला, मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर, उसकी चेतना वहां गई है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है क्या होता है, देहांतन के उपयुक्त शरीर में सूक्ष्म मानसिक जीवन फिर से विकसित करेगा। कोई व्यक्ति को ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, ठीक है, प्रकृति बोलेगी तुम शेर बन जाओ, खाओ मांस। इस शरीर में अगर ज्यादा मांस खाने की इच्छा है आपको, तो प्रकृति आपको शरीर देगी, बढ़िया शेर बन जाइए, खाइए मांस, आपको दूध दही पनीर, भगवान ने अन्न फूल फल सब कितना सारा चीज दिया, उसको खा के भी जीवन यापन कर सकते हो ना आप, कहीं मांस खाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें भी तो वही आत्मा है, आपके शरीर में भी वही आत्मा है ना, आत्मा तो सेम ही है, इसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। फिर अपने जीवा के तुष्टि के लिए क्यों बोलते हैं कि मांस नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर दुबला हो जाएगा, अरे भाई दूध दही पनीर ये भी तो चीज है, फल मूल है ना, इसे खाओ ना। तो हम समझते हैं कि प्रकृति का जो नियम है बहुत कड़क है, इसमें उसको हम तोड़ेंगे तो हमें ही प्रभाव होता है शरीर पे। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ बताया गया है, फिगर देखिए गीता में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बनाया है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना को दूसरे शरीर में ले जाती है, 15.8 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं बात, समझ रहे हैं ना। तो हम समझ सकते हैं कि जो नियम है प्रकृति के बहुत ही कड़क है, लेकिन कोई व्यक्ति पालन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, प्रकृति गुणों में क्या करे, दिवस है हम। तो ये जो बताया गया है, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार के मानसिक पास में विद्यमान रहेगी और आत्मा के देहांतर प्रक्रिया द्वारा अन्य उपयुक्त शरीर में सूक्ष्म मानसिक जीवन फिर से विकसित होगा। इस तरह उनके पूर्व कर्म उन्हें कर्म फल के विविध चक्रों की अग्नि परीक्षा से गुजारेंगे और अनेका अनेक वर्षों तक उन्हें एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करेंगे और जन सम्मान में वही करेंगे जो अज्ञान नेताओं से कहेंगे। अब सोचिए, एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक रेड ट्रियर, इस्कॉन डिजायट्री भी आप हो जाएंगे ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। इस्कॉन डिजायट्री खोलेंगे, गूगल पे लिखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी का उसमें खुलेगा, श्रील प्रभुपाद दबाएंगे उस पर, तो हिंदी में सुनना है तो हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, जो सी भाषा में सुनना चाहते सब वहाँ पे विद्यमान है। तो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को भी सुनिए घर पे जाकर के, बोलते हैं सुनेंगे आप, तो बोलते हैं अमेरिका में रेड ट्री है, रेड ट्री उसकी आयु है 7000 वर्ष, 7000 वर्ष, अगर बीच का शरीर मिलेगा तो खड़ेगा भी 7000 वर्ष तक, हिल भी नहीं सकते। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो हमारे साथ, नहीं। तो इसीलिए बताया गया है कि ये जो बताया गया है ना, कर्म फल के बीच चक्र अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और अनेकानेक वर्षों तक उन्हें एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करेंगे और जन सम्मान वही करेंगे जो अज्ञान नेताओं से कहेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव उत्तरोजना, यहाँ बताया गया ना, जो लोग कम पढ़ रहे हैं उसको फिर से दोहराइए एक बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए। गीता तीसरे अध्याय का बोलिए, महापुरुष पेज नंबर 139 गीता में अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 बोलिए, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हम समझ सकते हैं, अतः नेताओं को जानना चाहिए कि सभी लोगों के लाभ के लिए किस तरह कर्म किया जाए।
सर्वप्रथम उन्हें कर्मयोग अर्थात अपने कर्म के फल को विष्णु को अर्पित करने की वास्तविक विधि को समझना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तो अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भोक्ता रमतम सर्वलोक मनु, सारे जगह भोक्ता भगवान कृष्ण है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को अपने कर्मों के फल को अर्पित करें, जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तभी क्या होगा, तभी वे अपने अनुयायियों का वास्तविक हित कर सकते हैं। यदि वैद्य स्वयं बीमार हो तो अन्य को किस तरह स्वस्थ बना सकता है, वैद्य को पंखे बंद करो, ये पंखा बंद करो, यहाँ माइक्रोफोन करो, ओके भाई माइक्रोफोन करो ना, हाँ इसको बंद करो, बस उसका ही घुमा रहा था, ठीक है। तो बताया गया है कि यदि वैद्य स्वयं बीमार हो तो अन्य को किस तरह स्वस्थ बना सकता है, थोड़ा तो माइक दूर कर दो इसको, वैद्य को समान जनों की व्याधियों का उपचार करने के पूर्व स्वस्थ स्वयं को स्वस्थ करना होगा। रोगी की इंद्रियों को तुष्टि असली वैद्य का कार्य नहीं है। एक उत्तम सुपात्र वैद्य रोगी की शंकों को तुष्ट करने में अपने को नहीं लगा सकता। वैद्य का कार्य है कि असली दवा दे, चाहे उसे रोगी की इंद्रिय तुष्ट हो या नहीं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ज्यादा बीमार है, तो डॉक्टर उसको मीठा चीज देगा खाने, बोलेगा तो खाओ, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उस व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा परेशानी होगा। तो डॉक्टर को चाहिए कि सही दवा दे ताकि बीमारी ठीक हो जाए, है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी को ऐसा दवा दे जो उसके आत्मा के कल्याण के लिए हो, है ना, न कि उसके शरीर के लिए केवल कार्य बताते रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे हैं जो हमें तथा देहांतरण प्राप्ति धीरे भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में बताया कि शरीर परिवर्तन होने वाला है। बहुत दुख की बात है कि हमारे वृंदावन यात्रा में कल ही हम बात किए, अभी आज के घर पे गए थे, देखिए जिन्हें कोई ठिकाना नहीं है ना, अभी हम गए थे माता जी का शरीर त्याग किया इन्होंने, हम देखते हैं कल ही रात को बात हुआ था, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, हम समझ नहीं सकते कि देखिए हम प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हम इस शरीर में कब तक रह सकते हैं, क्या इसका हम रेलवे का टिकट कटाते हैं जाने के लिए, इसी हम जाने वाले सोचक वृंदावन, चारों माता चार लोग थे, चारों का टिकट है अभी भी, सोचिए वृंदावन जाने वाले आज उनका देहांत हो गया, तो हम समझ नहीं सकते कौन व्यक्ति कितने दिन जिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा जब सृष्टि का होता है तब जीव जब आता है संकल्प डेट फिक्स है, कितना बार हम सांस लेंगे भागवतों में भी बताया गया है, जिस दिन हमारी आयु हो जाएगी उस दिन सांस भी रुक जाएगा हमारा, इसलिए समय कम है कलयुग में, इसलिए चाहिए कि जो चीज हमें मिल गया है उसे तुरंत लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना में आंदोलन जो है हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, शरीर का देहांतरण होने वाला है और फिर अगला शरीर मिलने वाला है, तो क्या कोई चाहता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार तो मेन समस्या संसार में, इसको तो कोई स्कूल कॉलेज बताता ही नहीं है, वो तो केवल धन कमाना है यही बताएंगे आपको, कैसे पैसा कमाना है, कैसे खाना पीना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि वास्तविक समस्या क्या है, एक ग्रंथ बता रहे हैं भगवद गीता भागवतम कृष्णा, ये सब हमें बता रहे हैं कि वास्तविक समस्या संसार में है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो दो चीज और मिल जाता है, बुढ़ापा और बीमारी, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता, तो ये चीज हमें आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना में बताया जा रहा है कि शरीर परिवर्तन किस शरीर में वाला है, तो क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए कि शरीर आध्यात्मिक हो हमारा, नैनम सिद्धांति सहताड़ी नैनम धरती पाप, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, उसको जला सकता है ना काटा सकता है, सोचिए शरीर आध्यात्मिक हो तो भक्ति की प्रक्रिया ऐसी इतनी है कि कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसका जीवन आध्यात्मिक ही होगा, सोचिए ये कोई साधारण कार्य तो हम कर नहीं रहे, इसीलिए तुरंत क्या करना चाहिए, इसको अंगीकार कर लेना चाहिए, तुरंत अपना लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा, फिर हमें इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा,
इसलिए नेताओं को यह जानना आवश्यक है कि सामान्य जनता का असली रोग सर्वशक्तिमान विष्णु की सेवा करने में उनकी अरुचि है। किंतु यदि लोगों के मूल रोग नास्तिकता का उपचार न करके नेतागण रोग के लक्षणों की ऊपरी संवेदना जताते हैं तो इससे कष्ट भोग रही मानवता को कोई लाभ नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि बताए गए प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या नास्तिकता। आजकल तो लोग बोलते ही हैं भगवान पर कोई विश्वास, कहीं भी लोग आपका सदा तोड़ देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके बहकावे में ना आए, है ना। और क्या बता रहे हैं, इस रोग की असली दवा तो ईश्वर को अर्पित वस्तुओं के उच्चिष्टों को ग्रहण करना है। रोगी के लिए यह आदर्श आहार है। औषधियों में ईश्वर की महिमा श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, ईश्वर के दिव्य रूप की पूजा करना, उनकी दिव्य सेवा करना, उन्हें अपना परम मित्र मानना तथा अंततः सभी परिस्थितियों में उनकी शरण में जाना सम्मिलित है। यदि नेतागण वास्तव में मानवता के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें इस आहार तथा इन दवाओं का प्रबंध करना होगा। तो हमें चाहिए कि अगर चाहते हैं इस संसार में जो भी लोग हैं कष्टों को दूर कैसे हो, तो उनको मानना पड़ेगा कि ये जो भगवान कृष्ण को सेंटर में ही रखना पड़ेगा, तभी सबका लाभ होने वाला है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, बताया हम लोगों को यूनाइटेड नेशन में जाएंगे आप WHO में क्या करते हैं, शांति के लिए सूत्र चलाते हैं, पूरा देश के अनेकों झंडे मिल जाएंगे आपको, भी कम जाएंगे ना, कि शांति की कैसे स्थापना हो, कि फिर भी युद्ध हो रहे हैं, एक देश दूसरे से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, कोई बम गिरा रहा है, कुछ गिरा रहा है, कहाँ शांति हो पा रही है। प्रभुपाद जी का लगे सुने बोलते हैं कि जितने भी रोड पे कुत्ते घूम रहे हैं ना, सबको ला के रूम में रख दो, बोलो शांति से रहो इधर। वो क्या शांति से रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे बताओ, एक दूसरे को काटेंगे क्यों, कुत्ते शांति से रह नहीं सकते, स्वाभाविक है रोज, हाँ वो तो एक दूसरे काटेंगे ना, इसीलिए उनको मालूम नहीं है सूत्र क्या है। क्योंकि ये सूत्र बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान भी बोलते रहे कि कृष्ण को केंद्र में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे चीज को भोगता तो भगवान है ना, और कृष्ण को सेंटर में रख दिया जाए। प्रभुपाद ने तो यही किया, पूरे विश्व में कृष्ण मत प्रचार किया, कृष्ण चैतन्य महाप्रकाशोलन, जितने भी लोग जुड़े सब लाभ उठा रहे हैं। सरकार है इस बात को मानती नहीं, वो अपना मिशन चलाती है शांति का सूत्र, अलग ही कुछ तो कैसे शांति आएगा। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि ये श्रवण कीर्तन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक दिन श्रवण कीर्तन से कुछ नहीं होगा, रोज हमें सुनना चाहिए। बीमार हैं तो दवाई टाइम पर लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी की वाणी को रोज पढ़े, गीता भागवत रोज पढ़े, क्योंकि आत्मा का भोजन है, शरीर के लिए दिन भर कार्य कर ही रहे हैं ना। अभी तक कोई किसी का प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, हाँ बोलिए बोलो। आपने बोला कि हमें पता होने के बाद ही हम पाप करते हैं, संगीता हम ना करना चाहे तो भी हो ही जाता है, मतलब अभी हो गया उसमें, तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए व्यक्ति को बचने के लिए सबसे पहले चाहिए कि रजोगुण को जो प्रभाव बहुत तेज से पड़ रहा है, रजोगुण का प्रभाव क्या है बहुत है संसार में, इसीलिए व्यक्ति रजोगुण के कारण न चाहते पाप कर रहे हैं, रजोगुण समुद्र भगवान बोलते हैं ना गीता में। तो सतोगुण में कैसे आया जाए इसके लिए भी भगवान बोलते हैं गीता में, सतोगुण की क्या है। अब गीता के श्लोक खोलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, 18 अध्याय में आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रकृति के तीन गुण में भी है, वहाँ भी आता है। सब चीज में हमें समझना पड़ेगा, खाने पीने में सत्व का आहार क्या है सब भगवान बताते हैं। यहाँ से देखिए,
अध्याय 14 में है। अध्याय 14 का यहाँ से पेज नंबर 9, श्लोक नंबर 9 है, पेज नंबर 41495, 495। प्रकृति के तीन गुण अध्याय 14 श्लोक संख्या 9 जहाँ पे चर्चा होती है। पहले तो अर्जुन का प्रश्न था कि पाप कर्म क्यों व्यक्ति करता है ना, भगवान उसके लिए बोलते हैं, इसी आगे आएगा अभी जब कर्म हो पड़े में श्लोक आएगा। लेकिन प्रकृति के तीन गुण देखते हैं कि यहाँ बोला गया है, सप्तम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम अवितुम तम प्रसादे संजीत। हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि सत्वगुण पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट होता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट होते हैं। रजोगुण व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करने से उत्तम कार्यों में व्यय करता है, कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्तियों के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है, तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न उसके लिए है न किसी अन्य के हित कर होता है। अब सोचिए, मान लीजिए अस्पताल की चर्चा हो रही है, ठीक है अस्पताल है, लेकिन वहाँ किसके लिए इलाज किया, शरीर के लिए किया जाने केवल, आत्मा के लिए कुछ कल्याण होता है वहाँ पे? तो वास्तविक तो श्री प्रभुपाद जी ने अस्पताल बनाया जहाँ पे आत्मा का कल्याण के लिए कार्य हो रहा है, साथ साथ शरीर के लिए भी होता है। व्यक्ति चला गया, शरीर तो यही पड़ा है ना, शरीर कार्य करना केवल बंद कर देता है, आत्मा निकल जाने का। ठीक है पाप कर्म होगा, लेकिन जब कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो भगवान बोलते हैं डरो मत, भक्ति की क्रिया करते रहो, मैं सारे साधकों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। इसीलिए तो भक्त भी कर्म कर रहे हैं, भक्तों से ही तो पाप हो रहे हैं ना, हमसे ही पाप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बच गए पापों से। चलते हैं तो रोड पर चींटी तो डर के मर ही जाते हैं ना, हो रहा है कि नहीं पाप, लेकिन हम क्या उस पाप को लेकर के कब जानबूझ के तो करते नहीं हम, हाँ लेकिन क्या करें, हो तो रहा है, लेकिन फिर भी हम भक्ति की क्रियाओं को पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहते हैं बोला है तुम मेरे लिए कर्म करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर जैसे हमें ये ज्ञान मिला है कि हम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान मिलने के बाद भी हम अगर उसे दोहराए तो हाँ, तब थोड़ा भगवान देखिए शास्त्रों के विरुद्ध मालूम चल गया कि ये कार्य नहीं करना है, फिर भी उसमें हम लग रहे हैं कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमें खींच रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं इसको। अभी दो दिन का कैंप चल रहा था मंदिर में, उसी को चर्चा हो रहा था भक्ति के विधि, हम चार दिखाएंगे आपको, एक एक भक्ति का स्टेज है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया फिर आता है रुचि, फिर अनर्थ निवृत्ति आता है ना, तो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज बहुत है, एक जन्म में भी हो जाएगा ना देवती, अनेकों जन्म भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं तुरंत हो जाएगा, क्योंकि शरीर कब से हमने धारण किया है ये कोई ठिकाना नहीं है। महाराज बोलते हैं क्या कि गंगा नदी में बालू है, हाथ में दीजिए, हाथ में उसको बांध के रखिए, आप बालू गिनिए कितना सेंड है हाथ में, गिन पाएंगे आप, तथा अनेक जन्म जन्मांतर की वजह से ज्ञान वो यहाँ आता है, भवनाम जन्म नाम ज्ञान मानते होते आने को शरीर भी हमने बदल दिया है, सोचिए ज्ञान भी नहीं है क्या करें। तो कोई बात नहीं, भक्ति की प्रक्रिया बहुत अग्नि के समान है, जैसे बहुत तेज अग्नि जल रही है ना, गीला वाला कुछ भी लगा डालेंगे जला के भस्म कर देगी, उसी प्रकार भक्ति की जो प्रक्रिया है वो अग्नि के समान बताया गया है, अनेक जन्म जन्मांतर का भी होगा ना वो भी जल के नष्ट हो जाएगा एक क्षण में, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए नाम कीर्तन पर विश्वास होना चाहिए हमें। भगवान का जो नाम है ना, ये यहाँ की ध्वनि नहीं है, भगवान के धाम से आई है,
इसे नाम पे हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि नाम जब आप अच्छे से करेंगे सुनेंगे ना, उससे अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाएगी आपकी। देखिए नाम जब करने के लिए भी ना शांति से जगह बैठना ना बहुत कठिन है, क्या करें। जब बैठते हैं तो प्रभु जी कहाँ हैं, आप आइए नीचे आइए, फोन आपसे बात करना है, ये वो दुनिया भर का फोन दिन भर बज ही रहा है, कहाँ से नाम जप कर पाएंगे, कहाँ से अनर्थ निवृत्ति होगा। इतनी सेवाएं हैं, भागना दौड़ना, इसीलिए तो 4 बजे उठते हैं प्रभु, 4 बजे उठ के मंगल आरती करके बैठ के मंदिर में जाएगा भक्त अगर माला ही पूरा करते हैं पहले, फिर सेवा में लगते हैं। मेरे को मालूम है कि दिन भर परेशानी होगी, इसलिए प्रभुपाद ने मंगल आरती बनाया, इसीलिए सुबह हम जल्दी 9 बजे सोना होता है, 4 बजे उठना होता है। सुबह वो मंगल आरती करके गुरु पूजा कर करके हम मंदिर में 4:30 बजे अगर रुकेंगे ना तो डायरेक्ट 9-10 बजे ही निकलेंगे मंदिर में से, बाकी मंदिर से भक्त बाहर नहीं करते, क्योंकि 4 बजे मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर नाम जप, फिर गुरु पूजा, फिर दर्शन आरती, फिर भागवतम क्लास, सोचिए, फिर प्रसाद, फिर कई सेवा, तो रोज का शेड्यूल है हमारा ये, सोचिए, है ना। प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बनाया, पूरे दिन हम व्यस्त रहते हैं, ऐसा नहीं खाली समय नहीं रहते, कोई ना कोई सेवा में लगे रहते हैं सारे लोग, है ना। तो ऐसा घर में भी कर सकते हैं आप, सुबह उठिए तो नाम जप करिए, फिर अपने कार्य में लगिए, क्योंकि नाम जब आप जब कर लेंगे ना तो पूरे दिन आप खुश रहेंगे आप। अब माला नहीं होगा हगनगर तो पूरे दिन परेशान रहेंगे हम, जैसे मोबाइल चार्ज नहीं लेगा तो क्या डब्बा से कोई भी नहीं, उसका क्या बात करेंगे, मोबाइल चार्ज ही नहीं है पर क्या बात करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं है आपके अंदर तो क्या सहन करेंगे आप, कोई बोलेगा तो क्रोध आएगा आपको, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति नहीं जाने नहीं। कोई बात नहीं, साधु संग सर्वसार्थक है, लौ मा सर्व संग सर्वसिद्धि है। आप इसलिए प्रभुपाद जी का संग करिए भक्तों का, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं अपने बुक में स्वयं हूँ, ये बुक है ना प्रभुपाद जी स्वयं है, इसको संस्था अगर बंद भी हो जाएगा ना फिर भी प्रभुपाद ने बीबीटी अलग से बनाया भक्ति बुक, ये कभी बंद नहीं होगा, ये पुस्तकें पैसा आएंगी छपती रहेंगी, क्योंकि यही मानव जाति को बचाने वाला है, दूसरा कोई आगे को बचाने वाला नहीं है प्रभुपाद का ज्ञान। इसलिए अगर किसी को देना है गिफ्ट तो यही दीजिए कि उसका उसके लिए आत्मा कल्याण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यही पढ़ के मैं जुड़ा, समझ रहे हैं ना, ये बहुत प्रभावशाली है। किसी को अगर देना है तो कुछ देंगे तो क्या प्रभाव करेगा, कुछ नहीं, मरते समय क्या ले जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गीता आपने दिया है, 21 श्लोक पढ़ा है तो ज्ञान हो गया अगर, तो अगला जीवन उसका फिर से भगवान बोलते हैं कि किसी वैश्य परिवार में, किसी अच्छे घरे धनी परिवार में जन्म लूंगा, जिससे उसके धन कमाने के लिए नहीं उसको करना पड़े, कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर वैसे घर में होगा तो पूरा धन धन आएगा, केवल भक्ति करेगा ना, वो कहाँ धन के पीछे भागेगा, राजा का पुत्र रहेगा तो क्या होगा, फिर पैसे कमी है, ऐसे तो भक्ति कर पाए, समझ रहे ना। इसे तो भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे ब्राह्मण कुंड में दूंगा जहाँ से भक्ति पीछे चालू हो जाए, और यहाँ पे जब आप लोग बैठे हैं आप लोग भी भाग्यशाली से मसूची, आपके भक्ति का अकाउंट ऑलरेडी है, अभी भक्ति वहीं शुरू हो रही है, समझ रहे ना। भक्ति का जो अकाउंट है ना ये सबके अंदर है, लेकिन किसी का चालू हो जाता है जल्दी, किसी का चालू नहीं होता, किसी का साधु संग, किसी भक्त के माध्यम, किसी भक्तों के जाते हैं पुत्र गण कर तो देता है, तो धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। इस संसार में जितने भी जीव है ना कहीं प्रगति कर रहे हैं, चाहे देवी देवताओं के माध्यम से भी धीरे धीरे जानने का प्रयास कर ही रहा है। रोज कोई शिव जी की सेवा करते वैष्णव सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वो भगवान के प्रिय भक्त हैं, वो वैष्णव ने रखा संभव शिव जी के जो भक्त हैं, वो भी किसी वैष्णव से किसी ने मिला देंगे भगवान के भक्त से तो भक्ति बढ़ जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो सब भगवान के देवी देवता क्या हैं, भक्त हैं, वो भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए धीरे धीरे प्रगति उनकी भी हो रही है। समय लगेगा, किसी दिन वैष्णव से संपर्क आएगा तो तुरंत उसका जागृत हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोड़ा नरसिंह आरती करेंगे, एक माता जी का देवस्थान माता के आत्मा की शांति थोड़ा करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा नरसिंह आरती करेंगे, है ना, मेरे पीछे बोलिएगा आप लोग करता देव भगवान नरसिंह आरती सबको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये गुरु परंपरा में जो बताया गया है कैसे भगवान को प्रणाम करना है, भगवान कृष्ण के मंत्र, भगवान को मंदिर वाले सब सीखना है हमें, है ना। एक दिन इसे भी क्लास होगी,
कि भगवान का प्रणाम कैसे करना है, उसका भजन, नरसिंह आरती, गुरु पूजा, इस सब हम एक दिन का क्लास इसलिए रखेंगे, है ना, कंटिन्यू आप आइए तो मंगल आरती में जो भजन गाते वो भी सीखेंगे, है ना। नमस्ते नरसिंहाय, बोलिए नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लागाय, प्रहलाद लागाय, जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद।
भक्ति विनाश भगवान नरसिंह देव की श्रीमणि कलाल महाराज की पिताई गो के मनंदे प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे, उनके माता पिता ने भक्ति के लिए भेजा है। हाँ।